फलोदी में कोरोना से बचाव को लेकर जहां एक और नगर पालिका द्वारा आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ शहर व गलियारों में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है, तो वहीं टीम रक्षक नशा मुक्ति केंद्र द्वारा आमजन को निःशुल्क कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मास्क बांटे जा रहे हैं। शहर के जयनारायण व्यास सर्कल से शुरू किया गया नशा मुक्ति केंद्रीय टीम के संचालक भास्कर पोहित से प्राप्त जानकारी के अनुसार 700 से अधिक मास्क लोगों में बांटे गए, जो क्रमबद्ध तरीके से जारी रहेंगे। पुरोहित ने कहा कि प्रतिदिन 700 से 800 मास्क बांटकर 10 दिन के अंदर 25,000 से अधिक मास्टर बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मुक्ति केंद्र टीम द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य के पीछे महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका सामने आई। इस टीम द्वारा लोगों को बांटे जाने वाले मास्क महिलाएं अपने घरों में बनाकर रक्षा मुक्ति केंद्र की टीम को सुपुर्द करती हैं, जिससे शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना दस्तक बिना देने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप टीम रक्षक से जुड़ी हुई है। तो ये मास्क जो बना रही है आप, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा यही आप सबको आग्रह है कि हो सके जितना जनता को अवेयर कीजिए, घर में रहिए, कभी नुकसान होने से बचाएं और हमारा गांव, हमारा देश है, उसका भी नुकसान होने से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपने मास्क बांटे, तो क्या ये क्रम आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, हमने टारगेट लिया है। निश्चित रूप से हम 25,000 मास्क कम से कम बांटेंगे। इसमें हमें 8 से 10 दिन का समय जरूर लगेगा और आज हमने अभी 700 मास्क यहाँ बांटे हैं जयनारायण व्यास मूर्ति के पास से। अभी हमारा शाम को टारगेट है घर घर जाके, क्योंकि यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तो हमने स्टॉप किया। हम घर घर जाकर लोगों को हर घर में कितने मेंबर है उतने मास्क देंगे और ये पैम्पलेट्स भी उनको देंगे। इनमें ये सारे बचाव के तरीके और अवेयरनेस कैसे रखनी है, लोगों से कैसे रखवानी है, ये सब हमने इसके अंदर चिन्हित किया है, ताकि जो गांव के लोग भी है या जो ये मोहल्लों में लोग रहते हैं उनको भी ये संदेश जा चुके कि नहीं ऐसी कोई चीज़ आई है। क्योंकि कुछ लोगों को तब यही लगता है कि कुछ नहीं, ये नॉर्मली है।